जहां एक ओर होली त्योहार की धूम है, वहीं दूसरी ओर कोरोना ने चिंता बढ़ाई है। पॉजिटिव का आंकड़ा 300 के पार पहुंचा। कोरोना की स्थिति को देखते हुए किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। प्रशासन के इस आह्वान को साथ देना अब समय की मांग है। कोरोना ने फिर हाहाकार मचाया है। बता दें कि पिछले दिनों कोरोना ने 200 का आंकड़ा पार किया था, लेकिन अब कोरोना का संक्रमण तेजी पकड़ रहा है। 28 मार्च की कोरोना अपडेट पर यदि नजर डाली जाए तो पिछले 24 घंटे में कुल 341 पॉजिटिव सामने आए हैं, जबकि 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 165 लोगों ने कोरोना पर मात की है। कोरोना का आंकड़ा 300 के पार हुआ, यह हमारे लिए चिंता का विषय है। जिले में अब तक कुल बाधितों की संख्या 27,265 पर पहुंची है। साथ ही शुरुआत से लेकर अब तक ठीक होने वालों की संख्या 24,810 हुई है। हाल में 2,032 बाधितों पर उपचार शुरू है। अब तक 2,70,661 नमूनों की जांच की गई है, जिनमें से 2,38,821 नमूने नेगेटिव आए हैं। आज 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें चंद्रपुर शहर के सरकार नगर निवासी 72 वर्षीय महिला, नागभीड़ तहसील के बोधली यहाँ का 52 वर्षीय पुरुष और आलापल्ली जिला गढ़चिरौली यहाँ का 60 वर्षीय पुरुष, इनकी मृत्यु हो चुकी है। इनमें से चंद्रपुर जिले की संख्या 383 और तेलंगाना 1, बुल्डाना 1, तो वहीं गढ़चिरौली 20, यवतमाल 16, साथ ही भंडारा 1 और वर्धा यहाँ के 1 बाधित का समावेश है। आज बाधित आए 341 मरीजों में चंद्रपुर महानगर पालिका क्षेत्र के 113, चंद्रपुर तहसील 34, बलारपुर 15, भद्रावती 16, ब्रह्मपुरी 10, नागभीड़ 4, सिंदेवाही 12, मूल 9, सावली 4, पुंभुरना 1, गुणपिपरी 3, राजूरा 36, चिमूर 4, वरोरा 50, कोरपना 19, ज्योति 5 और अन्य स्थान के 6 मरीजों का समावेश है। कोरोना के मरीज कम अधिक प्रमाण में बहुतांशी तहसील से पाए जा रहे हैं। नागरिकों ने कोरोना पूरी तरह से खत्म हुआ इस मानसिकता से बाहर आए और मास्क का नियमित रूप से इस्तेमाल करें, बार बार हाथ धोए और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। इस त्रिसूत्री का नियमित रूप से पालन करने का आह्वान बार बार प्रशासन की ओर से नागरिकों को किया जा रहा है।